बुढ़ापे में मानसिक बीमारी, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी क्या है कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत बढ़ गई है, लाइफ स्पैन बढ़ा हुआ है। अभी 70 साल 80 साल के बहुत लोग आपको मिलेंगे जो अच्छा जीवन जी रहे हैं। मगर होता क्या है कि ये उम्र में थोड़ा सुनना कम हो जाता है, डेफनेस आता है पार्शल, दिखना कम हो जाता है, फिर काम नहीं कर सकते, अकेले अकेले रहते हैं घर में। भाई बूढ़ा है अभी, इनको ज़्यादा तकलीफ मत दो, तो काम भी नहीं करते। घर के लोग सब बिजी रहते, वो अपने अपने काम में हैं, और फिर उनको पूछते भी नहीं है। मतलब जो एक समय व्यक्ति जो मेन था आदमी घर का, अभी उसको कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि वो कमाता भी नहीं है, उसका निर्णय भी नहीं कहीं। तो ऐसे इसमें फिर अकेला अकेला बैठना, फिर कोई पेंशनर्स क्लब ज्वाइन करो या कहीं कट्टे पे जाके बैठो, बगीचे में जाओ, घर में कोई पूछने वाला नहीं है, कोई भजनी मंडल ज्वाइन करो, कोई प्रोग्राम में चले जाओ, ऐसा टाइम पास होता है। और ऐसे इसमें होता क्या है कि कुछ लोगों को मानसिक बीमारी हो जाती है। अभी ये 79 ईयर्स का व्यक्ति है मेरे पास में, इनको लाया, और उनका ये प्रॉब्लम है कि उनको ऐसा डर लगता है कि लोग कुछ आ रहे हैं और कुछ उनको करेंगे, मतलब मारेंगे पीटेंगे या कुछ तो भी करेंगे, ऐसा उनको डर लगता है। बोलते देखो देखो मुझे कुछ आवाज़ आ रही कानों में, कोई आ रहा है, कोई आएंगा तो मेरे को मारेगा, या कोई लोग अपना अपने खिलाफ है, कोई लोग अपना पीछा कर रहे हैं। इनको नींद भी नहीं आती है, नींद नहीं आ रही है, 11:30, 11:30, 12 मतलब ऐसा रात को हो जाता है, और फिर थोड़ा बहुत सोते हैं, फिर जल्दी सवेरे उठ जाएंगे। चिड़चिड़ापन बहुत है, इरिटेबिलिटी बहुत है, उनको लगता है कि भाई अपने को कोई पूछ नहीं रहा है, तो फिर उनको लगता है कि भाई मेरी तरफ देखो, फिर वो अपनी तरफ अटेंशन आकर्षित करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, या फिर बच्चों के ऊपर चिल्लाएंगे, तो छोटी बात के ऊपर गुस्सा और झगड़ा झंझट करेंगे। तो ऐसे इनके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है, 79 ईयर्स है, और अभी घर वाले लोगों को लगता है कि इनको कैसा कंट्रोल करना। फिर इनको मेरे पास में लाया, बोले एक बार आप देख लो, क्योंकि बाकी तो कुछ समझ में नहीं है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, डायबिटीज़ नॉर्मल है, मतलब शुगर नॉर्मल है, और कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। तो फिर मैंने उनको दवाई दिया, एंटीसाइकोटिक, एकदम कम फॉर्म में। क्या होता है कि ये जो उम्र है इसमें यदि हम कम मात्रा में दवाई देते हैं, है ना, तो वो बहुत काम में आती है। तो मैंने उनको बहुत कम मात्रा में दवाई दिया, एंटीसाइकोटिक्स, जो कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक है वो दिया, फिर नए एंटीसाइकोटिक जो है वो ऐसा कॉम्बिनेशन दिया, फिर ऐसी कोई दवाई दिया कि जिससे ब्रेन को उत्तेजना मिलती है, अच्छा लगेगा ऐसा, मतलब ऐसा सुस्ती नहीं आएंगी भाई, ऐसी दवाई दिया उसमें कॉम्बिनेशन में। और बोला कि आप सवेरे शाम को दे दो, और खाना पीना इनका अच्छा रखो, थोड़ा प्रोटीन दो, पानी बहुत पिलाओ, और सलाद खाते हो तो सलाड खाने दो। तो ये सब देने के बाद में बोले, मैं बताऊँगा भाई आप 15 दिन के बाद में आ जाओ। मैं ठीक है, आ जाओ 15 दिन के बाद में आ जाएंगे। 15 दिन के बाद में आया तो बोले हमारा बहुत फ़र्क पड़ गया, बहुत ही फ़र्क है। मतलब लिटिल मात्रा में, छोटी मात्रा में एंटीसाइकोटिक देते हैं तो क्या होता है कि उनको जो फांस होता है कि भाई आंखों से बराबर दिख नहीं रहा है, कान और आंख जो है मेन, ये यदि कमज़ोर होते हैं ना, तो फिर ये अंदर की आवाज़ चालू हो जाती है, उनको लगता है कि बाहर से कोई कर रहा है, एक्चुअली अंदर की आवाज़ ही रहती है, विचार, और वो विचार भी उनको लगता है कि बाहर से कोई कर रहा है। अब पूरे दुनिया भर के इतने सालों के विचार दिमाग में है, कभी किसके साथ में झगड़ा हो गया है, कभी किसके साथ में कुछ झंझट हो गई है, और वो विचार अंदर तो है ही मेमोरी बैंक में, और वहाँ से कुछ ना कुछ निकल आता है, उनको लगता है कि वो बाहर का है। तो ये दवाई से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। यूजुअली ये लोग जब 79-80 ईयर्स का होता है ना, तब इनको प्रॉब्लम क्या होता है कि भुलक्कड़पन, मगर ये व्यक्ति में भुलक्कड़पना नहीं था। भुलक्कड़पना आ गया तो डिमेंशिया की तरफ जाता है, अल्जाइमर्स डिसीज, और अल्जाइमर डिसीज को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाती है। अल्जाइमर्स बोले तो प्रॉब्लम, उसमें भी दवाई निकली है, मगर दवाई से इतना फ़ायदा होता है, दवाई से इतना हो सकता है कि भाई बीमारी कंट्रोल में रखो, ज़्यादा बीमारी बढ़ने मत दो। ये प्योर साइकोसिस है, और दवाई से बहुत इनको फ़ायदा हो गया। अभी इतने दूर के हैं, मगर ऑनलाइन की फैसिलिटी अब आजकल टेक्नोलॉजी है, ऑडियो कॉल वीडियो कॉल से हम करते रहते हैं, और इंडिया के कहीं से भी, मतलब हमारे देश के, भारत देश के कहीं से भी लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, तो उनका हम इलाज करते रहते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर वो लोगों को शेयर करो जिनमें एक्चुअली बूढ़े लोग हैं और उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। हो सकता है कि मेमोरी प्रॉब्लम है, भुलक्कड़पना है, हो सकता है कि रास्ता भूल जाते, हो सकता है कि साइकोसिस है, तो उनका जीवन अच्छा जाएगा, उनका खुद का और घर के लोगों का। आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।